के बाद अक्षत नहीं उठा। 15 सितंबर को गुरुग्राम में अक्षत गर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है? कुलदीप ठाकुर, जिसके रॉन्ग साइड से चलने की आदत ने अक्षत की लाइफलाइन खत्म कर दी। 15 सितंबर को अक्षत गर्ग अपने दोस्तों के साथ गुरुग्राम में बाइक राइड पर निकला। जब वो फास्ट लेन की तरफ जाता है, दूसरी तरफ से उल्टी दिशा में अपनी एसयूवी लेकर आते कुलदीप ठाकुर की कार से टक्कर होती है। अक्षत की मृत्यु हो जाती है। हमारे देश में नियम की लाइन पर चलने वाले की जान इसलिए भी जाती है क्योंकि नियम तोड़ने वालों को लाइन से हटकर छूट दे दी जाती है। जैसे आरोपी कुलदीप ठाकुर को आधे घंटे में जमानत दे दी गई। कुलदीप ठाकुर, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। कुलदीप ठाकुर, जो पहले भी नियम तोड़कर कार चलाने का आरोपी रहा। जो संबंधित धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज कर और क्योंकि उसमें बेल का प्रावधान था तो इसलिए उनको बेल पर छोड़ा गया। पीड़ित की मां का कहना है कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बावजूद उसके पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की और थाने से बेल दे दी। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक पेश नहीं कर पाया है एक्यूज्ड, तो हम लोग यही मान रहे हैं कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके संबंध में जो अनुसंधान अधिकारी हमको निर्देश दे दिए गए हैं कि इसमें जो भी संबंधित धाराएं हैं वो मुकदमे में ऐड कर और आगे कार्रवाई इसमें की जाए। तो इसका मतलब आरोपी कुलदीप ठाकुर को पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर सकती है, धाराएं और जोड़ी जा सकती हैं? बिल्कुल, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर इसमें और भी कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन, कोई धाराएं ऐड कर लिया जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो किया जाए। पुलिस अब FIR में आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाने की बात कर रही है। जब अक्षत की जान चली गई तब अगर कुलदीप ठाकुर जैसे नियम तोड़ने वाले लोगों पर पहले से नजर रखी जाती तो अक्षत बचता। आप कहेंगे ये कैसे, तो सबूत देखिए। आज तक के पास ये वो सबूत, पहले भी कुलदीप ठाकुर का चालान हो चुका था, उसके बावजूद ये फिर से उल्टी दिशा से कार लेकर आता है और एक युवा की जान ले लेता है। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा। बस मुझे यही बोलना है कि भाई मेरा बच्चा जो हमारा परिवार चला था, हमें खा, हमारे बीमार माँ बाप की सेवा करता, छोटी बहन को पालता, हमारे पालने वाला हमारा बच्चा चला गया। गुरुग्राम की यह घटना क्या बताती है? ये बताती है कि अगर कोई आम आदमी हेलमेट पहनकर अपनी तय स्पीड की सीमा पर सही दिशा में सारे ट्रैफिक रूल्स के साथ चलेगा तो भी जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उल्टी दिशा से आने वाला कोई कुलदीप ठाकुर शायद ये सोच कर आ रहा होगा कि उसका कानून क्या ही बिगाड़ लेगा।